वेलकम टेक्निकल बुहड़ यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी गर्लफ्रेंड या किसी फ्रेंड का व्हाट्सअप कैसे यूज़ करें, यानी कि उसके नंबर पर व्हाट्सअप कैसे बनाएं ताकि उसको पता भी न चले और आप उसके नंबर पर व्हाट्सअप बनाएं और आपके पास कोड आ जाए। तो इस वीडियो को देखिए कम्प्लीट, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले तो हम इस तरह सिंपल सा व्हाट्सअप बनाते हैं, नंबर डालते हैं, उसके बाद कोड आता है। अगर हमारे पास सिम होगी तो वो कोड आएगा, अगर नहीं होगी तो हमारे फ्रेंड के पास जाएगा और वो हमें बताएगा तो नहीं कि हमारा व्हाट्सअप आप ही चलाओ। तो अब मैं एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप उसका व्हाट्सअप हैक कर सकते हैं, यानी कि यूज़ कर सकते हैं। तो ये काम बिल्कुल इलीगल ना करें। अगर आप करना चाहते हैं, कोई आपका मसला है या किसी वजह से कोई परेशानी है तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह नंबर लगाते हैं, फिर OTP वगैरह आता है और हम वेट करते हैं, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। तो इसके लिए मैं एक नंबर यहाँ पर आपको एंटर करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने नंबर एंटर कर दिया, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जैसे ही आप वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे तो उसके लिए ये एक एप्लीकेशन है, उसमें आप उसका नंबर लगाएंगे और अकाउंट जो उसका व्हाट्सएप नंबर है वो लगाएंगे, और उसके अलावा उसका आप लास्ट जो सीन है वो देखेंगे कि वो किस तरह, किस वक्त तक एक्टिव था, किस वक्त ऑफ था, तो ये देखेंगे वो। फिर यहाँ पर इंटर लास्ट सीन जो है ना वो लगाएंगे, इंटर लास्ट सीन डिटेल, तो यहाँ पर उसका टाइम लगाएंगे और ऊपर नंबर लगाएं सेज़ OTP नंबर इंटर। तो यहाँ पर मैं इसका टाइम लगाता हूँ, इंटर व्हाट्सअप नेम, और उसका व्हाट्सअप नेम भी आपको मालूम होना चाहिए कि क्या था, ये आपको लाजमन देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। तो यहाँ पर जो आपको रीज़न देना है, यू वांट OTP एनी रीज़न, यानी कि आप वहाँ से यहाँ OTP क्यों मंगवाना चाहते हैं। तो फ्रेंड एंड माय जो के क्या क्या पर्सनल, तो यहाँ पर ये कोई ऐसा रीज़न देना है या यही देना है वो मसला नहीं है। एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पर इस तरह देना है और उसके बाद व्हाट्सएप में जाना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर OTP जा चुका है, यानी कि SMS मौसूल होने वाला है। तो ये नंबर तो हमारे फ्रेंड का है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन में जाना है जिस पर हमने सेटिंग बना रखी है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, बड़े गौर से देखिए, फिर आपको बात समझ में नहीं आती फिर कमेंट करते हो यार हमें बात समझ में नहीं आ रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अकाउंट का नंबर भी लगा चुके हैं और असिस्ट OTP नंबर भी इंटर कर चुके हैं, लास्ट सीन डिटेल भी दे सकते हैं दे गई है, और उसके अलावा यहाँ पर इंटर व्हाट्सअप नेम, ये भी चौथा प्रोसेस है वो भी दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस आपके फ्रेंड के व्हाट्सअप की OTP आ जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक OTP आने वाली है। तो मैं उस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने इस तरह मैंने अपना रीज़न दिया और व्हाट्सअप नेम वगैरह, अब नेक्स्ट पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कोड आ चुका है 8899718। तो यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे
तो और इसको कॉपी लिख करके वहाँ पर लगाएंगे तो उसका व्हाट्सएप हमारे पास यूजेज हो जाएगा, यानी कि हम चला सकते हैं। मैं आपके सामने डिटेल के साथ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप अकाउंट तो बन चुका है। तो यहाँ पर फिर इसको कर दीजिए स्किप, तो यहाँ से आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और यहाँ पर उसका जो डेटा रिकॉर्ड है वो भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो वेरी इंफॉर्मेशन और हेल्पफुल था, वो आपको पता हो गया।